हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो गर्मी अपने पूरे जोर पर है, कई इलाकों में पारा 45 को पार कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ हिसार में 23 गांव ऐसे हैं जहां की जनता को एक हफ्ते पानी मिलता है तो दो हफ्ते पानी का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी समस्या को लेकर ग्रामीण जिला सिंचाई अधिकारी से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां से भी ग्रामीणों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पानी की समस्या से परेशान 23 गांव, ग्रामीणों ने खोला विभाग के खिलाफ मोर्चा। महज एक ही हफ्ते आता है पानी, दो हफ्ते करना पड़ता है पानी का इंतजार। पीएलसी पावड़ा लिंक चैनल नहर पर पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है, जिसको लेकर के 23 गांवों के लोग आज यहां पर एससी से मिले और उन्हें देखो सिर्फ आश्वासन दिया गया और ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर भाखड़ा में पानी का स्तर नहीं बढ़ता है तो किसानों को किसी भी हालात में पानी नहीं दिया जा सकता। किसानों की फसलें सूख रही है, गाँव में तालाब में पानी की समस्या है, पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने यहाँ हाथ खड़े कर दिए हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनकी फसल सूख रही है, एक महीने में जो एक सप्ताह पानी आता है उसको बढ़ा करके दो सप्ताह किया जाए। एक तरफ तो गर्मी का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत है, लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा। हिसार के लोगों का भी यही हाल है। हिसार की जनता पीने के पानी के लिए लंबे समय से तरस रही है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा, जिसके बाद हिसार के 23 गांव के लोग अपनी अर्जी लेकर जिला सिंचाई अधिकारी के पास पहुंचे। तकरीबन 23-24 गांवों के लोग हैं। पहले सदा बिल्कुल आज से देखते आए हैं, हर रोज दो हफ्ते पानी चला करता नहर में, जो पावड़ा माइनर है उसका 6 महीना से काट के एक हफ्ता कर दिया। हमें पीछे 15 दिन पहले ऐसी सावधान मिले थे, उसने वादा कराया था भाई आपका पानी बंद नहीं होगा, दो हफ्ते चलेगा, वो दो हफ्ते नहीं चला, एक हफ्ते चल रहा है। इसके लिए हमने दोबारा यहाँ आना पड़ा। आज वहाँ बैठे थे, पहले बैठे रहे, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, जैसे कि ये अभी नू सोच आवारा पशु फिरा है, उस तरीका से हमारे साथ बर्ताव कराया गया। अपनी मांगों को लेकर पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि भाखड़ा लिंक चैनल माइनर का पानी 23 गांव तक सप्लाई किया जाता है। पहले पानी दो हफ्ते तक दिया जाता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से पानी महज एक हफ्ते ही आता है और दो हफ्ते बंद रहता है। अब इस हफ्ते के पानी में किसान अपनी खेती करे या फिर पानी को पीने के इस्तेमाल में लाया जाए, पानी एक हफ्ते ही आता है, बाकी दो हफ्ते तक पानी का इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की परेशानी को लेकर जब वो जिला सिंचाई अधिकारी के पास पहुंचे, तो वहां घंटों तक अधिकारियों का इंतजार करते रहे। अब बाजरा का बुआरा है, मतलब बाजरा के बुआरा के लिए खेत में निर्माण के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी है ही नहीं, तो बाजरा कैसे होगा, खेत खाली रह गई, जो बाड़ी की फसल वो सूख चुकी है, परमात्मा भी रूठा हुआ है, परमात्मा भी नहीं बरस रहा। तो इस एवज में जैसे मैं सरपंच प्रतिनिधि का कार्य किया, तो गांव में पानी लाने की जिम्मेवारी बनती है, तो हमारे गांव में छोटे छोटे दो टैंक है जो एक हफ्ता का ही स्टोर कर सकते हैं, और बाकी के जो दिन है, मान लिया जो 12-13 दिन हम पे जो गुजरती है हम ही जान सकते हैं। तो वही किसान नेता ने बताया कि पहले भी अधिकारियों के पास समस्या को लेकर आए थे, पिछली बार ये आश्वासन दिया गया था कि डैम में जल का स्तर बढ़ चुका है, अब पानी की कमी से परेशान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं। उन्होंने कहा कि बाजरे की बुआई के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन पानी है ही नहीं, तो खेती कैसे की जाए, न पानी मिल रहा है न ही बारिश हो रही है। आज की डेट में जो पानी की पोजीशन है ना, पिछले साल आज के दिन जो पानी था 54,000 पानी चल रहा था, आज 33,000 पानी चल रहा है। ये बेसिकली भाखड़ा का लेवल 50 फीट से ज्यादा का डिफरेंस है। पिछले साल 1588 था, आज के दिन लेवल आज 1531 है। ये जो डिफरेंस है 50 फीट से ज्यादा का डिफरेंस है, इस वजह से यदि आज हम ज्यादा पानी छोड़ देते हैं तो आने वाले फ्यूचर में ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हमारे पास पानी नहीं होगा। पानी की किल्लत को लेकर जब जिला सिंचाई अधिकारी जसमेर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया पिछली साल के मुकाबले भाखड़ा के जल स्तर में काफी कमी आई है, अगर आज ज्यादा पानी छोड़ देते हैं तो भविष्य में इतना पानी भी गांव वालों को मिलना मुश्किल होगा।
20 दिन पहले भी आपको भी पता है कि सारे अखबारों में भी था, सब जगह था कि मानसून आ गया। 15 दिन पहले अर्ली मानसून आ गया था, आप लोगों को भी सबको पता है। उस वक्त उस चीज को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए उम्मीद थी कि हमारा वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा। आज ये जो चीज हो रही है ये बरसात की वजह से हो रही है। बरसात यदि आती है, सारा पानी ये भाखड़ा से आता है, भाखड़ा का सारा कैचमेंट एरिया हिमाचल में पड़ता है। हिमाचल में जब तक बरसात नहीं होती भाखड़ा का लेवल इंक्रीज नहीं करता। जिला सिंचाई अधिकारी ने आगे सफाई देते हुए कहा कि मौसम विभाग ने 15 दिन पहले मानसून के आने की उम्मीद जताई थी, जिसको लेकर जल स्तर के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें पानी की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मानसून आया ही नहीं। मानसून ने तो इस बार धोखा दिया ही है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या सिंचाई विभाग की अपनी कोई तैयारी नहीं थी। सवाल ये भी है कि आने वाले और कितने वक्त तक ग्रामीणों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। किसान यहां से निराश होकर लौटे हैं और एक ऐसा आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया है कि अगर बारिश होगी, भाखड़ा बांध में पानी होगा तो ही उन्हें पानी दिया जा सकता है, नहीं तो किसानों को पानी देने की उनकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। आज किसानों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और एक आश्वासन के साथ वो अपने घर वापस लौट गए। अपने सहयोगी जगदीप के साथ हरियाणा न्यूज, अनूप कुंडू हिसार।